गौरव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष, जैसा कि आपने पूछा कि हम देखते हैं कि एक महीने पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो वाणिज्य विभाग है वहाँ पे एक रोस्टर के माध्यम से 6 सीटें निकाली जाती हैं, जिसमें पीएचडी की, उसमें 3 सीटें जनरल कैटेगरी की, एक एससी कैटेगरी की, एक एसटी की और एक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें क्या है कि 3 जनरल की भी सीटें बढ़ जाती हैं, एक एससी की भी सीट बढ़ जाती है और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट की भी सीट बढ़ जाती है, लेकिन जो एसटी वाली सीट है वो खाली रहती है। और हम देखते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज़ हैं, इन दोनों ने बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के उस सीट को रातों रात बदल दिया जनरल कैटेगरी में, जबकि ना तो यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में ऐसा लिखा गया है, ना ही कोई रूल रेगुलेशन ऐसा बना है कि उस सीट को हम बदल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस सीट को ऐसे बदल देना कहीं ना कहीं वो एसटी कोटे को ख़त्म करने की साजिश भी इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा की गई है। और साथ ही साथ जब विद्यार्थी परिषद वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष से मिलती है तो वो लिख के देते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, अगर उनसे गलती हुई है तो वो नैतिकता के आधार पे दोनों अधिकारी इस्तीफा दें। विद्यार्थी परिषद ये लगातार मांग कर रही है कि इतना बड़ा स्कैम इस विश्वविद्यालय के अंदर ये दोनों अधिकारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो जो हायर अथॉरिटी इस विश्वविद्यालय की है BC PVC है, ना कोई कमेटी बनाता है, ना इन पर कोई कार्रवाई की जाती है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द ये दोनों अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इस मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। धन्यवाद।